नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह खुरीमहुआ, एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह धनवार, सीओ नरेश कुमार वर्मा, प्रमुख गौतम कुमार सिंह, थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार, विद्यालय के निर्देशक रविन्द्रनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस क्रम में बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दे रही है। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों को तैयार करने, प्रशिक्षित करने और आगे बढ़ाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। वार्षिक उत्सव विद्यालय का आईना होता है। विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसा चल रहा है और अन्य गतिविधियाँ क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को देखने को मिलता है। बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना चाहिए। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख गौतम सिंह व विद्यालय के निर्देशक रविन्द्रनाथ ने भी अपने अपने विचार रखे। मौके पर अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं आदि कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो बहुत अच्छा, सबसे पहले हम बच्चों को हमारी हम शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरह से आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, तरक्की और प्रगति करते रहें। शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी, चाहे वो गीत संगीत का क्षेत्र हो, योगा का क्षेत्र हो या अन्य एक्टिविटी, हर क्षेत्र में भाभा स्कूल के द्वारा बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है और आज आवश्यकता भी है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बच्चों को तैयार करने का, बच्चों को प्रशिक्षित करने का और बच्चों को आगे बढ़ाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। तो आज आप लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जिस तरह से, चूंकि जब भी हम देखते हैं ये कार्यक्रम वार्षिकोत्सव विद्यालय का आईना होता है, विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसे चल रहा है, विद्यालय में अन्य गतिविधियां क्या है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सारी चीजें हम सबको देखने को मिलती है और एक एक कार्यक्रम से जो झलकियाँ, कार्यक्रम की झलकियाँ आई, इससे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो आज की आवश्यकता है, उस अनुरूप शिक्षा दी जा रही है। किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बच्चों को काफी अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, राजधनवार।